वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है, ये ब्लाउज है और देखिए ये इसका अस्तर है, तो ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ली है और ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, 10 इंच लिया है। तैयार करेंगे तो 8 इंच आएगा, 2 इंच का मार्जिन है, 5 इंच शोल्डर, 5.5 इंच और अभी नेक ड्रॉ करेंगे 2.5 इंच। लंबाई आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं, जो मैं ले रही हूँ आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 10.5 इंच लिया है। ये इस तरीके का एक बॉक्स आएगा। अभी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच इस तरीके से एक मार्किंग कर लेते हैं। जो 1/2 इंच हमने मार्किंग की है यहाँ पे इस तरीके से टेप से लाइन ड्रॉ कर लें और इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड भी करेंगे, तो ये कोने से 2 इंच तक इस तरह से ले लें और 2 इंच के बाद जो हमारा ये शोल्डर पे है और इस पॉइंट को इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे कि हम पूरा यहाँ तक इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके की ये शेप आएगी। और अभी आपको सिलाई का तरीका बताती हूँ। जी मैंने सीधा ब्लाउज रख लिया है, उसके ऊपर ये ड्राफ्ट रख लिया है। अभी जो नेक का शेप है हम इस शेप में इसको स्टिच कर लेंगे, नेक को कट कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर जो डिज़ाइन देने वाले हैं उसके बारे में बताती हूँ। डिज़ाइन देने के लिए मैंने एक रेड कलर का कपड़ा लिया है, कुछ ये चौकोर पीस कट कर लिए हैं। साइज़ बता देती हूँ, देखिए 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई है, चौकोर पीस है। और एक डोरी बनाने के लिए मैंने 2 इंच की चौड़ी पट्टी स्ट्रेट कट कर ली है। तो देखिए डोरी बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई डाल के इसको लंबी डोरी तैयार कर लेंगे, फिर इसके कुछ पीस कट करके इसके लुक बनाएंगे। और जो ये कपड़ा कट किया हमने इसके इस तरीके से हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखिए ऐसे फोल्ड कर लें और एक बार फिर इस तरीके से, तो ये हमारे ट्रायंगल तैयार हो जाए। तो इसी तरह मैं सारे ट्रायंगल बना लेती हूँ। जैसे मैंने बताया था मैंने इसको स्टिच कर लिया है, नेक को कट कर लिया है और कमर में भी स्टिचिंग डाल दिया है, तो अलग से फिनिशिंग नहीं देनी है। इसको पलट के चारों तरफ से फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए इसको मैंने पूरा स्टिच कर दिया है, प्लेट भी डाल दी है और अभी इसको साइड में रख देते हैं। तो जो ट्रायंगल के लिए मैंने कपड़ा लिया था पहले ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए चौकोर पीस है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और एक बार इस तरीके से और सिलाई डाल के ये तैयार हो जाएगा। मैंने सभी ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं, अभी ब्लाउज में मार्किंग कर लेते हैं। डबल फोल्ड कर लिया है और देखिए यहाँ से हम इस तरीके से तरीके से आएगी और सेम गैप देने के बाद एक और मार्किंग कर लेंगे, डबल लाइनिंग। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी तो देखिए इस तरीके से जो लाइन है यहाँ पे सेट कर लेंगे। इस तरीके की हमारी ये लाइन तैयार हो गई। दूसरी लाइन है, इसको आप जो खुले हिस्से हैं ये दोनों आमने सामने इस तरीके से आने चाहिए। देखिए इसी तरह सेट करते हुए स्टिच कर, तो देखिए इस साइड में मैंने स्टिच कर दिए, सेम इस साइड में भी इसी तरह से स्टिच कर देंगे। ये ट्रायंगल मैंने दोनों साइडों में स्टिच कर दिए हैं। देखिए जो मैंने कपड़ा लिया था मैंने स्टिच करके इसको पलट दिया, देखिए इस तरह की हमारी डोरी तैयार हो गई है। और इसके मैंने 1 इंच के पीस कट कर लिए हैं जो कि यहाँ पर हम लुक लगाने वाले हैं, देखिए इस तरीके के। तो जो हमारी ये डिज़ाइन है यहाँ पर ये लुक लगेंगे
और उससे पहले हम यहाँ पे एक पाइपिंग लगा लेते हैं। तो पाइपिंग भी मैं इसी डोरी की लगा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी डोरी है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो जो पाइपिंग देनी है, जो यहाँ से स्ट्रेट आ रहा है, उतनी पार्ट में हम पाइपिंग लगाएंगे। ये हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देते हैं लगाना। देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिए हैं, सेम इसी तरह से इस साइड में भी लगा लेते हैं। ये लूप दोनों साइडों में स्टिच कर दिए हैं। ये मैंने गोल्ड कलर की डोरी ली है, जो कि हमारे इस तरीके से नेक में आएगी एक लाइन, और फिर से एक लाइन आएगी, दूसरी लाइन जो आएगी थोड़ा गैप देके आएगी। तो पहले हम दो लाइन यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं और फिर यहाँ पर भी इसकी फिनिशिंग देंगे। दो लाइन मैंने स्टिच कर दी है हाफ इंच का गैप देके, और देखिए इसको हम यहाँ से कमर से इसी तरह से इसकी फिनिशिंग देते हुए यहाँ तक स्टिच कर देंगे, और सेम इस लाइन में भी। तो देखिए ये लेस मैंने दोनों साइडों में भी स्टिच कर दी है, एक लेस मैंने कमर में भी स्टिच कर दी है, और देखिए जो ट्रायंगल बनाए थे इस तरीके के मैंने ये मोती लगा दिए। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर हमारी ये डिज़ाइन दिख रही है, और ये मोती कैसे लगाएं वो आपको बताती हूँ। तो देखिए जो रेड कलर के ट्रायंगल हैं, तो रेड कलर का ही धागा ले लें, और एक गोल्ड कलर का मैंने मोती लिया है। तो ये डिज़ाइन है, इन डिज़ाइनों में यहाँ पर हम इस तरीके से धागे को नीचे से ले लिया है, और यहाँ पर भी इसको एक साथ ही इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद मोती से इसकी फिनिशिंग देनी है। डिजाइन हमारी इस तरीके की तैयार हो जाएगी। ये रेडीमेड डोरी ली है, ये 1.5 मीटर के आसपास ली है, और आप चाहें तो कपड़े की बना भी सकते हैं। तो देखिए दो छोर हैं, तो दोनों साइड की डोरियों के जो हमारे लूप हैं, दोनों छोर को हम लूपों में से निकाल देंगे, एक को इस साइड से और एक को इस साइड से। ये रस्सी हमने इस तरीके की डाल दी, तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर हमारी ये सेंटर में डिज़ाइन दिख रही है। और देखिए जो ये रस्सी है, इसमें आप कोई भी लटकन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पीस ले लिया जो ट्रायंगल बनाया था सेम साइज़ का, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर देते हैं। तो देखिए ये रस्सी मैंने पूरा इस तरह से निकाल दिया है, और यहाँ पे मैंने कपड़े के लटकन भी लगा दिए हैं, छोटे से टसन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जग जग करती हुई डिज़ाइन आ रही है, यहाँ पे लुक भी आ रहा है इस तरीके में। इस साइड में देखेंगे अब ये ट्रायंगल और मोती काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है, ऊपर लेस भी आ रही है। तो आप देख रहे हैं जब आप इसको पहनेंगे तो कितना सुंदर लुक आएगा इसका। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।